सुल्तानपुर के थाना कुड़वार क्षेत्र में कुटिया के पास से पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गैंगस्टर एक्ट में वांछित बादशाह खान को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। वहीं बदमाश की तलाशी के दौरान पुलिस ने एक तमंचा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। सुल्तानपुर में शहर के मधुसूदन इंटर कॉलेज के पास गबड़िया नाले पर एक राजस्व कर्मचारी की तरफ से मकान बनवाने के मद्देनजर जिलाधिकारी रमेश गुप्ता ने प्रकरण को हटाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है। इसी के साथ डीएम ने भी मामले पर संज्ञान लेते हुए कहा कि नाले की जमीन पर कब्जा मिला तो लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अमेठी में आंचल फाउंडेशन कमालुद्दीनपुर ने सड़क सुरक्षा के तहत जागरूकता अभियान चलाया, जिसके लिए मुख्य अतिथि संग्रामपुर थाना प्रभारी निरीक्षक राजीव सिंह ने एक एलईडी वैन को हरी झंडी दिखाकर लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए वहां से रवाना किया। आपको बता दें कि वैन ने जिले के अलग अलग जगहों पर यह जागरूकता अभियान चलाया है। अमेठी के थाना पीपरपुर के बीकापुर बॉर्डर पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने वहां से गुजर रहे हर व्यक्ति से पूछताछ की, साथ ही उन्हें कोरोना के लिए दिए गए गाइडलाइंस को पालन करने की हिदायत भी दी। साथ ही कुछ संदिग्धों का पूरे कागजात न होने पर चालान भी काटा। अमेठी में जिलाधिकारी अरुण कुमार ने संग्रामपुर ब्लॉक का औचक निरीक्षण किया, जिससे सभी अधिकारियों में हड़कंप मच गया। वहीं इस दौरान उन्होंने मनरेगा से संबंधित फाइलें न मिलने पर बीडीओ संग्रामपुर को जमकर फटकार भी लगाई। अमेठी में थाना संग्रामपुर क्षेत्र के देवरसा धनापुर गांव में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापेमारी कर गांव में अवैध शराब का निर्माण कर रहे दो शातिर अभियुक्तों को धर दबोचा है। वहीं इस दौरान पुलिस ने करीब 12 क्विंटल लहन समेत 35 लीटर अवैध शराब भी बरामद किया है। अमेठी में थाना मोहनगंज क्षेत्र के कोची मोड़ के पास से पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पॉक्सो एक्ट में वांछित दो शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि दोनों पर पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं और आखिरकार ये पुलिस के हत्थे चढ़ ही गए। अमेठी में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत शुक्ल बाजार में साईं आभा मैटरनिटी सेंटर में डॉक्टर प्रज्ञा वाजपेयी ने एक शिविर लगाया। इस शिविर में उन्होंने गर्भवती महिलाओं की निशुल्क जांच की तथा उन्हें आवश्यक दवा भी दी। इसी के साथ उन्होंने यह भी बताया कि हर महीने की 9 तारीख को मातृत्व से संबंधित सभी जांचें निःशुल्क रहेंगी। अयोध्या के प्रेस क्लब में हिंदू समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष उमेश पांडे ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने बैठक में शामिल सभी कार्यकर्ताओं से आगामी 2022 विधानसभा के 403 सीटों पर लड़ने की चर्चा कर पार्टी के रणनीतियों से लोगों को अवगत भी कराया। बहराइच में थाना रुपैडिया क्षेत्र के एसएसबी 42वीं वाहिनी ने चेकिंग के दौरान एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार करके रुपैडिया पुलिस को सौंप दिया है। वहीं बदमाश की तलाशी के दौरान पुलिस ने करीब 70 लाख तक की स्मैक भी बरामद की है। बहराइच में भारत नेपाल सीमा से सटे बलई गांव में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अवैध शराब का निर्माण कर रहे शातिर अभियुक्तों को भंडाफोड़ कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। वहीं इस दौरान पुलिस ने लगभग 150 लीटर अवैध शराब समेत 5000 लीटर लहन भी बरामद किया है। बहराइच में उप जिलाधिकारी मोतीपुर और तहसीलदार को जानकारी दी गई कि झाला वन चौकी के फॉरेस्ट गार्ड मालिक राम मोतीपुर रेंज के पास अवैध खनन करवा रहे हैं, बावजूद इसके राजस्व की टीम वहां मौके पर नहीं पहुंच पाई। बहराइच में थाना दरगाह क्षेत्र के छावनी चौराहे पर मौजूद घी व्यापारी के यहां खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान टीम ने करीब 138 टिन घी को सीज कर दिया है, साथ ही देसी घी के 4 नमूने भी लिए हैं। बहराइच में लखनऊ राजमार्ग टिकोरा मोड़ के पास भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों लाशों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कार चालकों की तलाश शुरू कर दी है। बहराइच में बेहतर पुलिसिया कार्रवाई के मद्देनजर कई उप निरीक्षकों के साथ साथ कांस्टेबल्स के भी तबादले किए गए हैं। इस लिस्ट में शिवनाथ गुप्ता और विजय कुमार गुप्ता समेत कई अन्य के नाम शामिल हैं। बहराइच में थाना मुंतिया क्षेत्र के एक गांव में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने करीब 100 लीटर शराब के साथ ही 1000 किलोग्राम लहन भी नष्ट कर दिया है। इसी के साथ पुलिस ने 2 बदमाशों को भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। बाराबंकी में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने जिले में बेहतर पुलिसिया कार्रवाई के मद्देनजर सुबेहा में तैनात उप निरीक्षक मुन्ना सिंह को सुबेहा थाने से हटाकर पुलिस लाइन के लिए स्थानांतरित कर दिया है। आपको बता दें कि जनहित और प्रशासनिक आधार पर ही पुलिस अधीक्षक ने यह तबादला किया है। बाराबंकी में मिशन शक्ति के चलते चैनपुरवा गांव में पुलिस अधीक्षक ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने गांव की सभी महिलाओं और बच्चियों को उनके अधिकार के प्रति जागरूक भी किया।
बरेली में थाना मीरगंज क्षेत्र में कांग्रेसियों ने एक कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन भी थामा। लखीमपुर खीरी में थाना तिकुनिया क्षेत्र के पास से पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पॉक्सो एक्ट में वांछित राहुल राणा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि पुलिस कई दिनों से इस बदमाश की तलाश में जुटी हुई थी और आखिरकार ये पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। लखीमपुर खीरी में थाना भीरा क्षेत्र से पुलिस ने चेकिंग के दौरान जिले के एक शातिर चोर कपिल को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। वहीं बदमाश की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की गई बाइक समेत एक तमंचा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। फतेहपुर में खागा कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे 2 पर ग्रामीणों की जमीन पर NHI की तरफ से कराए जा रहे निर्माण के चलते कुछ पुलिस वालों की ग्रामीणों से झड़प हो गई। वहीं झड़प की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर मामले को किसी तरीके से शांत कराया। फतेहपुर में चांदपुर थाना क्षेत्र के मरवाही डेरा गांव में कोरोना काल के बावजूद कुछ ग्रामीणों ने बार बालाओं के डांस का प्रोग्राम चलाया, जिस पर कुछ स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना भी दी, लेकिन बावजूद इसके पुलिस समय पर वहां पर नहीं पहुंची। सीतापुर में थाना रामकोट क्षेत्र के गद्दीपुर चितहरी गांव में एक गन्ने के खेत में नवजात शिशु मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने बच्चे को उठाकर वहां से उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया है, साथ ही पुलिस को भी इसकी सूचना दे दी है। शाहजहांपुर के थाना खुटार क्षेत्र में बेला गांव में एक मामूली विवाद के चलते कुछ सत्ताधारी बदमाशों ने गांव के ही कुछ महिलाओं के साथ अभद्रता कर उनकी जमकर पिटाई कर दी, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त जमकर वायरल हो रहा है। वहीं वीडियो का संज्ञान लेते हुए मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। बदायूं में थाना इस्लाम नगर क्षेत्र के खंजनपुर गांव में रहने वाले शिव कुमार की उसी के खेत में लाश मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। बदायूं में थाना विसौली क्षेत्र के दफ्तोरी रोड पर मौजूद एक कोल्ड स्टोरेज के केमिकल युक्त पानी पीने से लगभग आधा दर्जन सांडों की मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं इस पर सभी ग्रामीणों ने कोल्ड स्टोरेज स्वामी के खिलाफ जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। वहीं लोगों से मिली सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरीके से सभी को शांत कराकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। संभल में पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने गठित टीम के साथ सदर इलाके में त्योहारों के मद्देनजर जिले के सभी भीड़भाड़ वाले स्थानों और मुख्य चौराहों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पैदल गश्त किया। इसी के साथ उन्होंने सभी की चेकिंग के साथ ही उन्हें कोरोना के लिए दिए गए गाइडलाइंस का पालन करने की हिदायत भी दी। संभल के चंदौसी में बड़ी मेथा ऑयल फर्म पर GST की टीम ने छापेमारी की, जिसे सभी में हड़कंप मच गया। छापेमारी कर मेथा फर्म पर टीम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि फर्म पर टैक्स चोरी करने का आरोप भी लगा है। बांदा में थाना बिसंडा क्षेत्र के पुनाहुर गांव में रहने वाली रमा देवी विकलांग है, जिन्होंने बताया कि किस तरह से एक डॉक्टर की लापरवाही के चलते वो हमेशा के लिए विकलांग हो गई है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सरकार की तरफ से उन्हें कोई खास मदद नहीं मिल पा रही है। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।